हे प्रभु करुणा सागर, तू दीन दुखियों का आश्रय है और उन्हें सांत्वना देता है। तू अपने दुखी जनों को दिलासा दे। तू ही जीवनदाता और मृत्यु विजेता है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। अंतिम दिन में है प्रभु, महिमा मय तू जब आए। तेरी दाहिनी ओर रहूं, संतोष सह आशीष पाए। प्रभु वर तेरी सूली को नतमस्तक हो आराधे। सलीब सबका उत्थान है, सलीब में ही जीवन है। आकाश धरती सब तेरी, मृतक जीवन पाने दे। जिंदे तुझ में निरत रहे, आश्रय सबका होने दे। लोगों के पापों को मिटा के उनको जीवन दे। ज्ञान स्नान के पानी से सब जन तेरी संतान है। लोग तेरी काया को एवं पावन लहू को स्वीकार लिया पृथ्वी में, स्वीकारो अब आकाश में। उगते वर्षा बूंदों से, सुनकर दुर्ही की आवाज, मृतक सारे जी उठे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे।
शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मृतकों को नव जीवन दे, शैतान शक्ति दूर करो, जीवन ज्योति दान करो। न्यायाधीश के येसु तू दे दो मुक्ति पापों से, न्याय विधि से बचा ले तेरे नश्वर भक्तों को। हे प्रभु, तू अपनी कृपा से हमारे पापों को मिटा दे और हमें आशीष दे। तेरा अनुग्रह हमें संभाले। तू ही जीवन दाता तथा मृत्यु विजेता है। तू ही जीवन का आधार तथा आत्मा का आशा केंद्र है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन। स्वीकार करना प्रभुवर मेरा, विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। अब्राहम, इसहाक, याकूब, पूर्वजों का पावन बलिदान जैसे तूने स्वीकार किया। पावन बलिदान जैसे तूने स्वीकार किया। हे प्रभु, मैंने गहरे गर्त से तुझे पुकारा है, हे स्वामी मेरी पुकार सुन ले। तू मेरे विनय के शब्दों पर तत्परता पूर्वक ध्यान दे। यदि तू अपराधों पर ध्यान देता रहता तो कौन तेरे सामने टिक सकता। तेरे पास पापों के लिए क्षमा है,
मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। मेरी आशा उसके वचन पर है, मेरी आत्मा प्रभु की प्रतीक्षा करती है। रहिए जितना भोर को चाहते हैं, उनसे भी अधिक मैं प्रभु को चाहता हूँ। इस्राएल प्रभु पर आशा लगाए रहे, क्योंकि प्रभु दया सागर है। उसके पास अपार मुक्ति है, वह इज़राइल को उसके अपराधों से उद्धार करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, तूने अपनी सजीव एवं जीवनदायी वाणी से मृत लासर को जीवंत कर दिया। वही वाणी हमारे भाई बहनों को न्याय विधि के दिन जिलाए। तेरी दाहिने और धर्मियों के साथ खड़े होने की कृपा दे। हे करुणा सागर, तू ही जीवन का स्वामी है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु तेरा आशीर्वाद। ओ मसीह सबके प्रभुवर, तेरे दूसरे महिमापूर्ण आगमन के समय जब मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, सारे मृत लोग कब्रों में से जी उठेंगे और तू धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा, उस मुक्तिदायी क्षण में तेरे इन भक्तों पर दया दृष्टि डाल और स्वीकार कर, जिससे ये भी उसी मोक्ष राज के उत्तराधिकारी बने जो धर्मियों के लिए जगत के आरंभ से ही तैयार किया गया है। आज के इस दिव्य कर्म में भाग लिए हम सभी पर, सारे विश्व पर और कलीसिया और उसकी संतानों पर तेरी कृपा तथा अनुग्रह की निरंतर वर्षा हो, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन।
भगवान।